दिल्ली गैंगरेप मामले में बचाव पक्ष के वकील एपी सिंह के एक बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। वकील एपी सिंह ने कहा कि अगर उनकी बेटी ने शादी से पहले यौन संबंध बनाए होते और वो रात में अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती तो वो उसे जिंदा जला देते। 16 दिसंबर को दिल्ली में चलती बस में छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले में अदालत ने 4 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। एपी सिंह 4 में से 2 दोषी विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर के वकील हैं। मेरी बेटी या मेरी बहन शादी से पूर्व संबंधों को प्राथमिकता दे या शादी से पूर्व अपने चाल चरित्र चेहरे को खराब करे, निश्चित तौर पर अपने फार्म हाउस में खड़ा करके अपने परिवार सभी परिवार वालों के सामने पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा देने की हिम्मत रखता हूँ, जज्बा रखता हूँ। दिल्ली गैंगरेप मामले में बचाव पक्ष के वकील एपी सिंह के बयान को दिल्ली बार काउंसिल ने गंभीरता से लिया है। दिल्ली बार काउंसिल के सचिव मुरारी तिवारी ने कहा कि हम उनके बयान की निंदा करते हैं और उनसे इस बयान पर जवाब तलब किया जाएगा। एपी सिंह ने जो भी कहा है उसके बारे में काउंसिल से उनसे पूछताछ की जाएगी। मुरारी तिवारी ने कहा कि एपी सिंह का बयान प्रोफेशनल कदाचार की श्रेणी में आता है और काउंसिलिंग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। वकील एपी सिंह ने इससे पहले शुक्रवार को कहा था कि दोषियों को फांसी की सजा अदालत ने दबाव में दी है। इसके बाद कई सामाजिक संगठनों ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में उनका लाइसेंस रद्द करने की मांग की थी। दिल्ली गैंगरेप मामले में बचाव पक्ष के वकील एपी सिंह के बयान की चारों तरफ निंदा हो रही है। एपी सिंह ने तालिबानी सोच रखते हुए कहा कि उनकी बेटी या बहन शादी से पहले सेक्स कर या फिर किसी बॉयफ्रेंड के साथ घूमती तो पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला देते। एपी सिंह ने कहा कि वो ऐसे परिवार से हैं जिससे इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती, जिसके बाद इस बयान की हर तरफ निंदा हो रही है। बयान की निंदा करते हुए वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी ने कहा कि किसी को जिंदा जलाना ये धमकी देना भी जुर्म है। किसी को जिंदा जलाना या ये धमकी भी देना ये भी जुर्म है। नरेंद्र मोदी बीजेपी के पीएम कैंडिडेट के ऐलान के बाद आज रेवाड़ी में मिशन 2014 का आगाज करेंगे। पीएम पद की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद ये उनकी पहली बड़ी रैली होगी। इस वजह से प्रदेश बीजेपी में भी खुशी की लहर है। इसके साथ साथ इस रैली को सफल करने की उनकी चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित इस रैली में बीजेपी ने 2 लाख लोगों के आने का दावा किया है। मोदी के इस रैली में पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह समेत कई बड़े सैन्य अधिकारी के आने का दावा किया जा रहा है। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि हरियाणा की धरती नरेंद्र मोदी को हमेशा फलीभूत हुई है। 8 साल हरियाणा के प्रभारी रहने के बाद ही 2001 में नरेंद्र मोदी को गुजरात में मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई थी। नरेंद्र मोदी की रैली के लिए आज रेवाड़ी सज धज कर तैयार है। 32 एकड़ के ग्राउंड में 4.5 लाख वर्ग फीट में मोदी की रैली के लिए पंडाल लगाया गया है। पहली बार मोदी के मंच पर 25 जनरल रैंक के पूर्व सैनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। पूर्व जनरल वीके सिंह रैली में मुख्य अतिथि होंगे। मोदी की रैली के लिए रेवाड़ी को हरियाणा बीजेपी ने दुल्हन की तरह सजाया है। बीजेपी के मुताबिक रेवाड़ी की इस रैली में अहिरवाल के इलाके से करीब 50,000 से ज्यादा पूर्व सैनिक इस रैली में शामिल होंगे। रैली के मद्देनजर सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पूर्व सैनिक रैली के माध्यम से आज देश के हर वासी को ये जानने का मौका मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा से संबंधित क्या नीति है। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी और पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी 25 सितंबर को भोपाल में पार्टी रैली के दौरान एक साथ मंच पर दिखाई देंगे। दरअसल मोदी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाए जाने के फैसले से आडवाणी नाराज हैं। हालांकि सुषमा स्वराज ने शनिवार को आडवाणी से मिलने के बाद कहा कि वो नाराज नहीं चल रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि पार्टी के सभी नेता वहां मौजूद रहेंगे। मंच पर मोदी भी रहेंगे और उनके साथ आडवाणी भी रहेंगे। दरअसल शुक्रवार को संसदीय बोर्ड की बैठक में जब मोदी के नाम पर मुहर लगाया जाना था तो आडवाणी घर से निकलने के बाद लौट गए थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि आडवाणी को नाराज होने का पूरा अधिकार है, लेकिन उन्हें मनाया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पहली बार स्वीकार किया कि आडवाणी नाराज चल रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि पार्टी में किसी तरह की नाराजगी नहीं है, लेकिन आडवाणी के कड़े रुख को देखते हुए राजनाथ को भी कहना पड़ा कि वो नाराज हैं। आडवाणी जी हमारे नेता हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे मेंटर हैं और उनको ये पूरा अधिकार है। कहीं पर कोई कमी दिखाई देती हो, चाहे कोई भी नेता हो, उनको दो बार भी वो कह सकते हैं। कांग्रेस ने पीएम उम्मीदवारी के मसले पर बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस में ये परंपरा नहीं रही है। राशिद अलवी ने कहा कि देश में हर कोई जानता है कि कांग्रेस पीएम या सीएम के उम्मीदवार का फैसला चुनाव से पहले नहीं करती है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने राजनाथ सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें हमारी आलोचना करने की आदत है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान का आदर नहीं करती है। राजनाथ सिंह जी ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड इट इज द दे आर इन हैबिट टू क्रिटिसाइज अस।
कांग्रेस को कैमरे के सामने बोलने वाले लोगों की जरूरत है, लिहाजा पार्टी एक टैलेंट हंट आयोजित करने जा रही है, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से कैमरे के सामने कुछ नए चेहरे आएंगे। कांग्रेस 5 दिवसीय ट्रेनिंग सत्र का आयोजन करेगी, जिसके बाद इसी ट्रेनिंग से लोगों का चयन किया जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री और विशेषज्ञ इस ट्रेनिंग सत्र को संबोधित करेंगे। अभी ये साफ नहीं हो पाया कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस ट्रेनिंग सत्र में शिरकत करेंगे या नहीं। कांग्रेस के इस ट्रेनिंग सत्र में फूड सिक्योरिटी बिल, भूमि अधिग्रहण बिल, आदिवासियों को अधिकार जैसे मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। मुजफ्फरनगर में शनिवार को गोलीबारी की एक घटना को छोड़कर हालात कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। शांति की राह पर बढ़ते हुए मुजफ्फरनगर का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज दौरा करेंगे। मुजफ्फरनगर के फुगना इलाके में शनिवार को गोली लगने से 2 लोग घायल हो गए। अपर पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार ने लखनऊ में कहा कि फुगना और लोई गांव के बीच एक खेत में काम कर रहे 2 लोगों को गोली मार दी गई, जिसके बाद इलाके में कुछ तनाव फैल गया, लेकिन जिले में हालात सामान्य है। साथ ही अरुण कुमार ने कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज मुजफ्फरनगर जाएंगे, जिसके लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के बाद सरकार ने 23 सितंबर को राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाई है। बैठक में सांप्रदायिकता से मुकाबला करने पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली 148 सदस्यीय राष्ट्रीय एकता परिषद सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद की बढ़ती समस्या पर गहन चर्चा करेगी और इस पर भी बात की जाएगी कि इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए। केंद्रीय मंत्री लोकसभा और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष, राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री एनआईसी के सदस्य होते हैं। एनआईसी की आखिरी बैठक 10 सितंबर 2011 को हुई थी, जिसमें सांप्रदायिक हिंसा और सांप्रदायिकता के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। मध्य प्रदेश के सुसनेर में दिग्विजय सिंह ने आसाराम पर एक बार फिर हमला किया और अपनी गलतियों के लिए अफसोस जताया है। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने आसाराम को जमीन दिए जाने पर अफसोस जताया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 1996 और 1997 में एक रैली के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने आसाराम को जमीन देने के लिए कहा, जिसके बाद हमने जमीन दे दी, जो एक बड़ी भूल थी और इस फैसले पर अब पछता रहा हूं। इतना जो चले पे आदमी को जमीन देकर मैंने बड़ी भूल की, मैं बहुत पछता रहा हूं। शनिवार को विशेष विमान से एनआईए की टीम आतंकवादी यासीन भटकल को अपने साथ लेकर दरभंगा पहुंची। एनआईए की टीम ने भटकल को लेकर कई जगहों पर छापेमारी की और भटकल के बताए ठिकानों को खंगाला। सेना के एक विमान से पुलिस अधीक्षक विकास वैभव के नेतृत्व में दरभंगा पहुंची एनआईए की टीम भटकल को लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच एक पुस्तकालय लेकर गयी, जहां भटकल जाया करता था। एनआईए की टीम वहां से भटकल को मावी थाना स्थित जामालचक गांव ले गयी, जहां वो रहा करता था। एनआईए की टीम करीब 4 घंटों तक भटकल के आधे दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की। एनआईए की टीम के हाथ कुछ जगहों से महत्वपूर्ण जानकारी के साथ कुछ कागजात भी लगे हैं, जिसे वो अपने साथ लेकर गई। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में एक 4 साल की मासूम बच्ची से स्कूल बस में ही रेप करने का मामला सामने आया है। रेप का आरोप बस के क्लीनर पर लगा है। पुलिस के मुताबिक 6 सितंबर को शाम 4 बजे जब स्कूल में छुट्टी हुई तो घर जाने के लिए एक जूनियर केजी की छात्रा कुछ समय पहले ही बस में बैठ गई, जिसका फायदा उठाकर ही संदीप करवे ने मासूम के साथ रेप किया। दूसरे दिन मासूम के माता पिता बच्ची के साथ अपने एक रिश्तेदार के यहां गए हुए थे। इसी दौरान मासूम ने अपने साथ हुए घटना के बारे में परिजनों को बताई, जिसके बाद पुलिस में मामला दर्ज किया गया। इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस घटना के बाद पुलिस ने शनिवार को क्लीनर संदीप करवे को गिरफ्तार कर लिया है। चीन के तमाम बड़े शहरों को निशाना बनाने में सक्षम अंतर महाद्वीपीय ब्लास्टिक मिसाइल अग्नि 5 का दूसरा परीक्षण आज किया जाएगा। ये परीक्षण उड़ीसा के पास वायलर द्वीप में किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के सूत्रों के मुताबिक 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली इस मिसाइल के परीक्षण के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस दौरान मिसाइल के सभी उपकरणों को जांचा परखा जाएगा और आज इसे लॉन्च किया जाएगा। इस मिसाइल का पहला परीक्षण पिछले साल अप्रैल में किया गया था। अग्नि 5 3 चरणों वाली मिसाइल है, जिसमें ठोस इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके 2 और परीक्षण होने की संभावना है और 2015 तक इसे सेना में शामिल कर लिया जाएगा। उत्तराखंड के मसूरी में सचिन तेंदुलकर के लिए बन रहे आशियाने पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल सचिन के बिजनेस पार्टनर संजय नारंग मसूरी में सचिन के लिए एक घर बनवा रहे हैं, लेकिन रक्षा मंत्रालय के उपकरण प्रौद्योगिकी प्रबंध संस्थान के नजदीक होने के चलते इसका म्यूटेशन नहीं हो पाया। ऊंचे रसूख के चलते संजय नारंग ने नियमों का खुला उल्लंघन कर कार्य बदस्तूर जारी रखा। विवाद हाईकोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने विवादित जगह को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, लेकिन बावजूद इसके संजय नारंग ने निर्माण कार्य जारी रखा। लेकिन अब न्यायालय की अवमानना और निर्माण रोकने के लिए पुलिस जब पहुंची, तो संजय नारंग ने प्रशासनिक अमले को बिल्डिंग में घुसने ही नहीं दिया।